और महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे पर राहुल गांधी नाराज हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है सामने। सीसी की बैठक में राहुल गांधी नाराज नजर आए, क्योंकि बीच में ही सीसी की बैठक के बीच में ही राहुल गांधी निकल गए। उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया से राहुल नाराज नजर आ रहे हैं। कुछ उम्मीदवारों के नामों पर भी उन्होंने एतराज जताया है। आपको बता दें, विदर्भ मुंबई की सीटें यूपीटी को देने से राहुल गांधी की ये नाराजगी है। राहुल गांधी का कहना है कि विदर्भ और मुंबई में जिन सीटों पर कांग्रेस की मजबूत पकड़ है, आखिर वो सीटें शिवसेना यूपीटी को क्यों दी जा रही हैं? और इसी वजह से राहुल गांधी की नाराजगी जो है वो बनी हुई है। कल केंद्रीय चुनाव समिति की कांग्रेस की बैठक हुई और बताया जा रहा है कि उस बैठक के बीच में ही राहुल गांधी बैठक को छोड़कर निकल गए। और इस मसले पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी रमन कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रमन, आज भी सीसी की बैठक होनी है, ऐसे में राहुल गांधी की नाराजगी, समाजवादी पार्टी का प्रेशर, पॉलिटिक्स, कांग्रेस किस तरीके से पार पा पाएगी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कल शुक्रवार को सीसी की बैठक हुई और सीसी की बैठक करीब 1.5 से 2 घंटे चलने के बाद जो है बीच में ही राहुल गांधी बैठक छोड़कर निकल गए। और उनकी नाराजगी इस बात को लेकर थी कि कई मजबूत सीटें, जो मजबूत पकड़ वाली सीटें हैं कांग्रेस पार्टी के पास, वो सीटें उद्धव ठाकरे गुट को दे दी गई। और इस बात को लेकर जो खासतौर पर विदर्भ का इलाका है, उस इलाके में कांग्रेस पार्टी की मजबूत पकड़ है। वहां के कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी को ब्रीफ किया कि राज्य के नेताओं ने सही तरीके से बैठक के दौरान जो है अपनी बात नहीं रखी, अपना पक्ष नहीं रखा, और उस बात को लेकर राहुल गांधी नाराज हुए। और नाराजगी के बाद आज फिर मल्लिकार्जुन खड़गे के 2 साल होने पे राहुल गांधी उनको मुबारकबाद देने पहुंचे। वहां पे रमेश चंद्रा, जो महाराष्ट्र के कांग्रेस के प्रभारी हैं, वो भी उस बैठक में पहुंचे और फिर से एक बार बातचीत हुई नेताओं के बीच में। और कहा जा रहा है कि जूम के जरिए राज्य स्तर के नेता और केंद्रीय स्तर के नेता एक बार फिर से बैठक करेंगे और बाकी बची हुई सीटों पर नाम फाइनल किया जाएगा, क्योंकि आज 23 उम्मीदवारों की सूची जारी हुई है। इससे पहले 48 उम्मीदवारों की सूची जारी हुई थी और आज की जो सूची है उसमें मुख्य रूप से विदर्भ का इलाका है, उस इलाके के उम्मीदवारों के नाम तय हुए हैं। रमन, ये भी बात सामने आ रही है कि स्क्रीनिंग कमेटी ने जो सीसी को नाम दिए राहुल गांधी के, उनको लेकर भी नाराजगी थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि नामों से राज्य के कई नेताओं के प्रति पक्षपात की भावना आती है, और ऐसा ही उन्होंने हरियाणा चुनाव को लेकर भी कहा था राहुल गांधी ने। देखिए, हरियाणा चुनाव में हार के बाद से राहुल गांधी ने महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं को ये ताकीद दी थी कि अति आत्मविश्वास से बचना चाहिए और उन सीटों पर फोकस बना के रखना चाहिए जिन सीटों पर कांग्रेस पार्टी मजबूत है। इसलिए कहा जा रहा है कि राज्य स्तर के नेताओं ने सही तरीके से बातचीत नहीं की और बातचीत ठीक है, राज्य स्तर के नेताओं ने सही तरीके से बात नहीं की। रमन, आप बने रहिए हमारे साथ इस बीच एक